नक्सल मोर्चे पर डटी पुलिस के लिए वर्ष 2019 कामयाबियों भरा साबित हुआ है। विकास, सुरक्षा और विश्वास के मूल मंत्र के साथ नक्सल ऑपरेशन में जुटी पुलिस के लिए यह उल्लेखनीय सफलता है कि पहली दफा सुकमा जैसे अति संवेदनशील जिले में एक भी सुरक्षाकर्मी शहीद नहीं हुआ। इसके उलट मुठभेड़ में 23 नक्सली ढेर किए गए, 105 गिरफ्तार किए गए और 182 नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है। आईजी बस्तर सुंदर राजपी ने बताया कि नक्सल मामलों में 2017 से 2019 तक दर्ज किए गए आंकड़ों में तुलनात्मक रूप से नक्सल वारदातों में 40% कमी आई है। साथ ही सुरक्षा बलों की शहादत में 65% तथा नक्सल हिंसा में आम नागरिकों की मौत में 45% कमी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने नक्सल विरोधी रणनीति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों के द्वारा आम जनता को विश्वास में लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं नक्सलियों के आधार क्षेत्र में नए कैंप व थाने खोले जाने से सुरक्षा बलों की पहुंच अंदरूनी क्षेत्र तक बढ़ गई है। उन्होंने एक वर्ष में पुलिस द्वारा विकास कार्यों पर जोर देने की बात कही। विभिन्न जिलों में ऑपरेशन के दौरान डीबीसी, एसीएस, पीएलजीए, एलओएस, एलजीएस व मिलिट्री रैंक के 430 पुरुष व 45 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं मुठभेड़ों में 47 पुरुष व 18 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए। टोटल 23 माओवादियों का रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के लिए इस समय पड़े करते थे, उसमें फोर्सेस के कैशुअलिटी जीरो थे। सुकमा जिला में 23 माओवादियों का रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के लिए और वेपन रिकॉर्डिंग में भी सुकमा जिला में हिंसा साइकिल और स्टेट का अच्छा रिकॉर्डिंग के लिए। नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान बीते वर्ष ऑटोमेटिक समेत 128 हथियार जब्त किए गए। आईजी बस्तर सुंदर राजपी ने बताया कि बीते वर्ष दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव रमन्ना की बीमारी से मौत के बाद नक्सल संगठन काफी कमजोर हुआ है। रमन्ना के विकल्प के रूप में अब तक किसी नेता का चयन नहीं किया जा सका है। यह भी जानकारी मिल रही है कि शीर्ष नेतृत्व स्थानीय नक्सली नेताओं पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए तेलुगु भाषी व्यक्ति को ही यह जिम्मेदारी दिए जाने की आशंका है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।